वेलकम टू जीआरएस टेक्निकल। लेकर मैं आ गया हूँ पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी द्वारा जारी किया गया रिवाइज करिकुलम एग्जामिनेशन प्रोग्राम। ये 3 वर्षीय जो एलएलबी एग्जाम होता है, 3 वर्ष का पाठ्यक्रम, उसका पहले साल का ये एग्जाम होने वाला है, उसी का रिवाइज डेट शीट आया है। तो आप तक पहुँचाना जरूरी है, क्योंकि आप एक लॉयर बनने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला एग्ज़ाम है 16/8/21 को, ज्यूरिसप्रूडेंस का एग्ज़ाम है, जिसका प्रोनाउंसिएशन आप अच्छे से कर लें घर में, क्योंकि लॉ एक बहुत बड़ी पढ़ाई है, जिससे अनेकों लोगों का भविष्य बनता है। तो 16/8 को है ज्यूरिसप्रूडेंस का एग्ज़ाम, 17/8 को है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का एग्ज़ाम, 18/8 को है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऑफ इंडिया, वहीं लॉ ऑफ क्राइम्स आईपीसी 21/8 को सैटरडे के दिन है, 23/8 को मंडे है, और पब्लिक इंटरनेशनल लॉ एंड ह्यूमन राइट्स का एग्ज़ाम है। उसके बाद है 24/8 को लीगल लैंग्वेज, लीगल राइटिंग एंड जनरल इंग्लिश, 25/8 को है सीआरपीसी, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट, 26/8 को है बैंकरप्टसी, 27 को है पब्लिक इंटरेस्ट लॉयरिंग, लीगल एड एंड पारा लीगल सर्विस। तो ये पहले जो एग्ज़ाम था वो सिर्फ 8 विषय का था, ये 8 तक ही था, लेकिन ये एक और जोड़ दिया गया है, जिसकी जानकारी आप तक पहुंचाना ज़रूरी था, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। और आप भी दूसरे तक इसको शेयर कर दें, ताकि जो भी परीक्षार्थी हैं पार्ट 1 के, वो तैयारी भरपूर करें और मार्क्स अच्छा स्कोर करें। जय हिंद।